अमेरिका कहले हम आपके यहाँ स्टील प्लांट लगाएंगे, लेकिन हमारा शर्त रहेगा। पंडित नेहरू पूछ ले क्या शर्त, कहले मेन पावर हमारा रहेगा, मैनेजमेंट मेरा रहेगा, ज़मीन आपका रहेगा। नेहरू जी एक्सेप्ट नहीं कर ले। कारखाना के शुरुआत से ही भ्रांति फैलवे खातिर तरह तरह से टेक्निकल फेल्योर भले। लोहा इस्पात कारखाना के नाम से प्रथम अधिसूचना निकलल, नोटिफिकेशन मिलल। जोहार, बोकारो इस्पात संयंत्र BSL प्लांट, इटा जो है लगभग गेल है तखन जितना मारफरी गाँव रहा आरो गाँव रहा थीन, तो उस आपके उठाए कि इटा यहाँ बैसल गए प्लांट, तो वहाँ के लोग के कह के वहाँ से उठवल गए जे हियाँ जो है तोहनी के नौकरी मिलतो, मुआवजा मिलतो, यह गुला हेन तेन कह के उस सबके वहाँ से एक धार कर गए बैसा दिल गए दूसर जगह। तो नौकरी और मुआवजा की स्थिति है सभी जाना हथिन। अखन जो है जितना विस्थापित गाँव है वहाँ कोई नौकरी वाला नहीं बाँचल हथिन, गिनल चुनल एक आध गो बाँचल हथिन। तो विस्थापित गांव और विस्थापित लोग के अखन जो स्थिति है बहुत ख़राब है। तो विस्थापित के मुद्दा के लेके एक जने बहुत जो है लड़ाई लड़ रहा है और अखनो मुखर हथिन सब में, बहुत उनकी जानकारी भी है इतिहास के बारे में, जैसे कैसे लागले प्लांट की रकम हुआ चलने प्रक्रिया। हमने बात कर रही है गुलाब चंद्र जी के बारे में और आज हमने के मांझे वो मौजूद है, तो हमने उनकर से कुछ सवाल जवाब करवाए और स्वागत है। धन्यवाद। सवाल है जे प्लांट लागे से पहले मारफरी गांव में सामाजिक जे स्वरूप रहा ले की रकम रहा ले। तो और सवाल जे हो ओकर जे लिपि क्रम से क्रमवार बनवल है, सिलसिलेवार जे बनवल है, तो हम 2-3 नंबर से शुरू करबो। ठीक। आज़ाद भारत में 1947 में आज़ाद भेले, पंडित जवाहरलाल नेहरू के ख्वाहिश हले हम देश को आत्मनिर्भर बनाएंगे, देश को विकास की ओर ले जाएंगे, आधुनिक भारत बनाएंगे। तो कोई भी देश के विकास के लिए इस्पात संयंत्र जरूरी है और इस्पात कारखाना के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू पहले अमेरिका गए। तो जब अमेरिका वो गए तो अमेरिका कहले हम आपके यहाँ स्टील प्लांट लगाएंगे, लेकिन हमारा शर्त रहेगा। पंडित नेहरू पूछ ले क्या शर्त, कहले मेन पावर हमारा रहेगा, मैनेजमेंट मेरा रहेगा, ज़मीन आपका रहेगा। नेहरू जी एक्सेप्ट नहीं कर ले। तो बोला कि हम तब नहीं लगा सकते हैं, कहे कि आपके यहाँ काम करने वाले अनुभवी लोग नहीं हैं, अभी अभी आपका देश आज़ाद हुआ है, पढ़ा लिखा इधिस देट करके। नेहरू हुए अमेरिका से सीधे रूस गए। जब रूस गए तो रूस में अपन प्रस्ताव रख ले, कहले हम आपके यहाँ कारखाना बनाएंगे, 10 मिलियन टन का कारखाना बनाएंगे और मैनेजमेंट आपका रहेगा, कारखाना खड़ा हमारे लोग कर देंगे, जब कारखाना अपने स्वरूप में आ जाएगा तो मेरे लोग वापस आ जाएंगे और इतना में दक्ष आपके लोग हो जाएंगे, अनुभव हो जाएगा आपके लोगों को, कारखाना चलाने लगेंगे हमारा लोग चला। तो ये नेहरू के अच्छा लगले। तो ये स्टील प्लांट खातिर पंडित नेहरू एक्सेप्ट करके एग्रीमेंट करके चले। अब जगह के जब खोज आवे लगले तो जगह के खोज में भले जो भाई कारखाना लगाएंगे तो खेती जोग ज़मीन ज़्यादा प्रभावित नहीं हो, जहाँ स्टेशन हो, जहाँ
आवागमन के सुविधा हो, जहाँ पानी के सुविधा हो, कोयला के सुविधा हो, तो वो लोकेशन भेले मरापरी। तो ये कारखाना के शुरुआत से ही भ्रांति फैलवे खातिर तरह तरह से टेक्निकल फेल्योर भेले। पहले तो भेले जे कारखाना जे बनते एकर चौहद्दी, तो चौहद्दी तो उत्तर में भई गेले दामोदर नदी, दक्षिण में भई गेले गरगा नदी, पूरब में भई गेले चास के, जहाँ शमशान है से गरगा नदी मान के चल, और पश्चिम में दे दिले पेट्रोवार थाना के सीमा। तो ये भ्रांति भई गेले जे इतना जमीन एक्वायर करे खातिर 10 मिलियन टन के खातिर बहुत ज़्यादा है। तो एकरा सुधारे ले भेले, और सुधारे ले भेले तो रशिया के टेक्नीशियन सब एलथिन। बहुत छोटो एरोड्रम हले बोकारो थर्मल में, बहुत छोटो, और ये जंगल झाड़ हले इगले में। तो वो जब नाम हले ना, तो बोकारो थर्मल के नाम से एरोड्रम हले, बोकारो थर्मल में नाम हले। और बाइकार इलाका के विजिट भेले पेट्रोवार से लेकर के चास तक, वहाँ से भ्रांति भई गेले जब ई गांव के नाम ओकर दिमाग में रह गेले जे हम बोकारो में आए हैं। क्यों एक्सप्लेन कर ले नहीं जे मने नहीं, ये बोकारो थर्मल वहाँ है, बोकारो यहाँ कुछ नहीं है। तो वही मारा फरी से बोकारो भई गेले तखनी से के ओकरा सुधार लेंगे। मैंने ये रकम बोकारो के नामकरण भेले। हाँ, तो मैंने पहला नोटिफिकेशन भेल इस्पात कारखाना, लोहा इस्पात कारखाना के नाम से प्रथम अधिसूचना निकलल, नोटिफिकेशन मिलल। वो नोटिफिकेशन निकालल बाद रशियन सब एलथिन, तब ओकरा बोकारो थर्मल हवाई अड्डा में उतारल। तो भले कहाँ उतरे, तो हम लोग बोकारो थर्मल, तो थर्मल टा काट दिले, बोकारो टा याद रह गेले, वही बोकारो 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 चालू हो। हमने खिया जब नोटिफिकेशन भेल, जब ओकरा सीमित कर ले एरिया, तो हजारीबाग के 5 पंचायत और धनबाद जिला के, उस समय के हजारीबाग के 5 पंचायत, उस समय के धनबाद जिला के 4 पंचायत, ये 9 पंचायत भेले आदि। 1, 0 और 9 ये डिफरेंस भेले। पहला अधिसूचना जब जारी भेले तो हजारीबाग जिला के 5 पंचायत के, मारापरी, कुंडोरी, शिवुटाण, हाँ कुंडोरी, गोड़ाबाली, जरीडी, डुमरो, ये 5 पंचायत भले। तो ये 5 पंचायत के एक्वाइड करे के भले। एकर जे सीमा भले, और एकर में जो लेटर नंबर भले, तो 490 भले, 489 भले। और तब धनबाद जिला के महेशपुर, राउदी, धंडावरा पंचायत वाले, महेशपुर, राउदी, भतुआ और हरला, तो ये 4 पंचायत हुआ के भले। ओकर भले 490 लेटर नंबर। बिहार सरकार की कर ले जो 490 वाला लेटर के पहले इशू कर दिले, और 489 वाला के बाद कर ले। से खातिर अखन कोनो काम, अखनो तक जो काम हो पहले धनबादे जिला वाला खबर, रिपेमेंट भी बढ़ रहा, तो कारण से ही। और तखनी ये छूट गए सेटा खातिर, रिपेमेंट के खातिर ये 5 पंचायत के अखन तक रिपेमेंट के शुरुआत नहीं हो पड़े। तनी तनी कुन तकनीकी गड़बड़ के वजह से अगला सब हमने भुगते ही। 1962 में मारापरी मिडिल स्कूल तक हल, प्राइमरी स्कूल हल, जहाँ अखन गुड सेड है, स्टॉक यार्ड है, गुड सेट नहीं, स्टॉक यार्ड, शिव मंदिर के आगू देखल अभी देना धारे, ओटनिकरा प्राइमरी स्कूल हल जेटा हमने पढ़ा हुए। दूगो टेंट लागल तंबू, और वो सब सर्वे कर आए गए थे ना, हमने स्कूल में पढ़ा लिया, देख स्कूल से ही हमने देख निकल हथिन, बाहर हथिन, जा हथिन, आवा पूछा कछल, हमने कौतूहल बस, भाई कारखाना यहाँ बनेगा, कारखाना बनेगा, कारखाना बनेगा। तो करते करते वो अपन सब सर्वे कर ले,
तो ये 9 पंचायत में 64 गांव इफेक्टिव बिल। हमारे यहाँ के बहुत धन्य गण्यमान नेता सब हत, कुछ पूर्व भी हलत जगह देहांत भी गए, गांव मोजा टोला एक डिफरेंस कुछ नहीं, जे मुँह बहरे ले एखन सुने तभी 64 मोजा 84 गांव। तो इगला जखन सुना थे ना ऑफिसर गए तखन हंसा थे, जिनको कुछ आता नहीं है और आ गया नेतागिरी करने, 5 आदमी का एक संगठन बनाया आ गया। एक्चुअली में हमने 64 गांव बोकारो स्टील कारखाना में ये 9 पंचायत के गए, 49 गांव फुली कारखाना के लिए और बाकी बचल गांव गिला पुनर्वास खातिर। ओखरी में कैटेगरी 1 भले कैटेगरी 2 भले, जकरा घर द्वार जमीन ज़्यादा सब चला गया वो 49 गांव भले, और जकर खाली जमीन लिए ले घर नहीं लिए ले वो रेस्ट गांव में बच गए, दियो मिला के 64 हो गए। तो ये एक्वाड हो गए गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, माने उस समय के बिहार सरकार और केंद्र सरकार के यहाँ एक बैठक भले, बी एन सिन्हा चीफ सेक्रेटरी बिहार सरकार ओकर अध्यक्षता में मीटिंग भले, जकर में ये कारखाना के जो तखन टाउन एडमिनिस्ट्रेटर के एम जॉर्ज वह सर्वे सरवाल वो बैठक में गए, कुछ और ऑफिसर गए थे। हुआ तय भले जो गांव शिफ्ट करेंगे लेबलिंग करके रोड पानी बिजली धर्मस्थान खेलकूद स्कूल ये सारा व्यवस्था के बाद जमीन लेवल करके हम लोग शिफ्ट कराएंगे। शिफ्ट कराएंगे तो शिफ्ट करने में जो खर्चा होगा वो सरकार करेगी। इतना भले लिखित प्रैक्टिकल में ठीक विपरीत भले, जंदे जकरा बुझेले नाली नाला में दे दिले कहले भाई आप लोगों को जाइए। तखन कुछ नेता नहीं हलथिन, तखन के टाइम में नेता हलथिन हमने के यहाँ के जमींदार ठाकुर सरजू प्रसाद सिंह, तखन के टाइम में मुखिया के वैल्यू हल मुखिया सब हलथिन, और स्वर्गीय दिनेश कुमार चौबे तखन हजारीबाग में वकालत करा, तो वो ठाकुर साहब के यहाँ जब ये कारखाना के भले तो चतुर आदमी वकील आदमी वो ठाकुर साहब संगे संपर्क भले, तो लेकिन स्टडी करे में और ओकर मूल रूप दिए में टेक्निकली रूप से गड़बड़ भले, वो इंटरेस्ट नहीं भले ज़्यादा वकालत वाला बात भले। ओकर में तय भले जी ये करने के बाद हम लोग बोकारो स्टील कारखाना में नौकरी देंगे चतुर श्रेणी में आरक्षित रूप से, और जो इच्छुक होंगे उनको शिक्षित प्रशिक्षित करके तृतीय श्रेणी में नौकरी के प्राथमिकता देंगे। लिखित हले, हाँ इटा लिखित भेले लेकिन प्रैक्टिकल में उठा नहीं भेले। ओकर बाद कारखाना शुरू भेले शिफ्टिंग शुरू भेले, तो एगो सवाल पहले कर रहा जब जब कारखाना नहीं ले तो हमने गाँवें गाँव है ये गर्मी के दिन में राउत डी में एगो हो वाले और एगो हरला में हो वाले और माराफरी में तो रसदारी नाच ज़्यादा हुआ, लेकिन हुआ हवा वाले दोसर जगह से यात्रा पार्टी आवा हलथिन सांस्कृतिक कार्यक्रम में हमने माराफरी में गोसाई सब रसदारी नाच के जब शौकीन हलत, तो रसदारी नाच हमने बैठा हलत गाँव में साझे हवा वाले गाना बजाना हो गए हवा वाले और नाम हमने रसदारी उ सबे शुरू दिलाथिन रसदारी माराफरी में। हमने हमारा पनोस में माराफरी में जखन हलों तो हमारे घर बॉर्डर हल, हमारे घर के बाद मुस्लिम टोला हल, हमारे घर के बाद हिंदू गोसाई टोला हल, हमारे गांव के पश्चिम में केवट टोला हल, तकर बाद पूर्णा पोखर हल, तकर बाद पाटन हल जहाँ तो लगे हमने के यहाँ जात पात नहीं हल। हमने खबल है यदि ककरे घर में शादी है निमंत्रण दो चाहे न गोटे गाँव उठ के आवल थे कि न कहे आएल हथिन कुटुम्ब गिला डाँडा हथिन अपन घर से खाटी गेंदरा लेके आवल थे इटा नहीं देखल जो घर आएल तो हमारा की मतलब को चीज घटा हल यदि घर है तो दौड़ के आन दिल।
तखन हमने मोटा चार खा लिए घरक चार धान, चलानी चार हमने नहीं खा, घट जाले रे घटा लगले ककरे घर पाठा उठा रहा तो ले जाओ हमारे हमट्टा हमारे घर आते तखन तीन दिए यही अदला बदली चला ले। ना कोनो जात ना धर्म कुछ नहीं, हमने मारा फरी में अभी मस्जिद है, ये मस्जिद के बगल में खरी मंदिर है। तो हले जर 11 महीना मंदिर में अगरबत्ती दिया नहीं जलते और एक महीना मस्जिद में आजान नहीं होते, सांझक टाइम में बियानक टाते सांझक टाइम में नहीं होते। ये परंपरा हमने कुआं चला कहा कि एक महीना मैंने बैसाख में हमने हरिबोल हरि कीर्तन करा लिया तो पहला बैसाख सही हुआ, अगरबत्ती और दिया जला लेता सांझक टाइम में आजान नहीं हो वाले, तखन माइक भी नहीं आए आजान इसी वाले, लेकिन आजान एक महीना नहीं और 11 महीना हिंदे से के दिया हुआ नहीं जल वाले। तो सवार धले अपन मेल मिला फले हमने गोसाई टोला में कुल्ही में एगो मंदिर है तो वो गोटे पार्टनर से लेके पलवैयार से लेके सभी नुमा हरिबोल हवाल हरि कीर्तन तो बैसाख महीना में सभी नुमा जुटल चंदा ठूस के तखन एक पैसा दो पैसा चंदा हुआ चंदा करके एक दिन एक आठ पहर चार पहर के हरि कीर्तन आवल औरत मरद सभी नुआ पहुँचल तो ऐसा हमने मेल जोल हल। होली दिवाली दुर्गा पूजा हमने जितना आज के तथाकथित ब्रांडेड कट्टर हिंदू आजकल फेसबुक में देखे कट्टर हिंदू ब्रांडेड हिंदू तो जितना उत्साहित हमने क्यों ना आल और से ज़्यादा उत्साहित मुस्लिम होल दुर्गा पूजा आ रहा है हमने जैसे घर है निपा पोता करा लिया और से बेसी सब निपा पोता करा हमने घर में बेल फूल बेलपत्ता पूरन पात ये सब के नक्शा बनवा लिए तो हमने से बेसी सब नक्शा बनवा अपन घर सर अपन घर मैंने नहीं लगा ले मुहर्रम आवे वाले तो मैंने हिंदू कम्युनिटी के लोग रोज जाके शेरनी वहाँ चढ़वाल थे तो शेरनी तखन चीनी और गुड़ और मिश्री और अरवा चार फुला के एटक वहाँ चढ़वल जा तो ऐसा हमने के सामाजिक संरचना मुहर्रम की रकम मनवाल थी हमने के जब मुस्लिम टोला में मुहर्रम निकला ले तो हिंदू कम्युनिटी के आदमी सब अपन अपन घाटी डाले और यदि मुहर्रम के ताजिया जा रहा है और यदि कोनो डायर लगले तो वो नहीं कुछ कर जकर घर के डायर लगल वो हिंदू घर के लोग डायर अपनी काटा ले नहीं काटे पा रहा तो कहे बाबू काट दे मैंने कोई झिझक नहीं कोनो चीज अल बिजली के तार तो नहीं आल तखन लालटेन आ डिबिया चला सभी हे इटा काट उटा काट ताजिया अत इटा फरारा इंदे से अत तो फरारा बड़ो बड़ो वाले हमने किया बहुत दिन के बाद रामनवमी शुरू हो वोटा एगो जुलूस मुहर्रम के निकलल रामनवमी हमने किया से शुरू हो हमार अपन रिश्ता के बात ले हमार कुली में एगो मटुकधारी गोसाई अल उ साधु उधु वाला तो ओकरा कोनो सपना मिल ले जे मारा फरे में चल चालनी था नहीं तो बिहानी उठ के हुआ गेले और हुआ पीतल के कुछ मूर्ति ओकरा मिल गए तो चल चालनी थान ठीनी भई गेले मूर्ति के मिल गेले तो हल्ला भई गेले गोटे तखन हमने के मारा फरी में मंगर दिन हाट लगाल तो मंगर दिन हाट लगाल तो गोटे ये 64 गांव से 67 गांव 70 गांव मैंने एक गो हाटे लगा ले यहाँ यहाँ के बाद पेटरवार हटवा कहाँ लगा है मारा फरी में अखन जहाँ चल चलनी थान है तो सेठिन गोटे हल्ला हो गए जैसा मूर्ति आविष्कार भले मूर्ति मिलल है और वह आसपास में रामनवमी भी
हमर बड़ा भाई स्वर्गीय जगेश्वर प्रसाद ठाकुर दुगदा BCCL में नौकरी करा, कोयला क्षेत्र में ज्यादा रामनवमी के हनुमान झंडा लगवा। तो कैसे कैसे हवा ले, वो आयल घर, एक सप्ताह में एक दिन छुट्टी मिला ले तो आयल घर, तो वो झंडा लेके आये हमने घर है तुलसी पीड़ाठिन झंडा लगे। उतने में सबिन देखल थी आयल आ रहा है, तो मटुकधारी मामा के घर में देखे हमारे दादा आवल, तो कल के भगिना अल तो हाँ कैसे नहीं लगे, कल अब रामनवमी लगे से दो दिन रह, तो बाबा की लेके आएला, तो कल घर एगो झंडा लगे, कल झंडवा हमारा दे दे, कल कहे तुरा ना दे वो चल चलनी थान ठीन झंडा लगे। तो फिर घूर के चल गए दुगदा हुंदे कोलियरी में झंडा उंडा मिलल, कल हम बड़ा झंडा आन दियो दूगो, एगो झंडा घूरबे खातिर और एगो झंडा हरि मंदिर ठीन लगबे खातिर, एगो झंडा अपन हुआ लगवा, वह झंडा वह रामनवमी के हमने के वहाँ से जुलूस चला, हमने के जुलूस तखन जुलूस में हमने के लोग नहीं बारह गिधर उधर चार दो चार दस गो के लेके चलतालनी थान से वही सिद्धू मामू मटुकधारी मामू दुयो भाई हमने मिलजुल के उन्हें से जुलूस लेके आवालिए मारा परी गोसाई टोला के हरि मंदिर और ही ख़त्म भई जाले। फिर झंडा लेके मुहर्रम के जुलूस निकला ले तो गोटे इस साइड से निकला ले राय टोला देखे केवट टोला देखे ऐतले गोसाई टोला देखे निकलतले पांडे टोला देखे करबला मैदान वाले सतन अति के आसनसोल के मैदान में हुए वो आसपास के सब ताजिया हुए जमा हो। किसी तरह के धर्म के मामले पर किसी तरह का भेदभाव, वह बीच में कारखाना भी नौकरी कर लगला, बहुत जन फुल पेंट पहने से परहेज कर अलग धोती पिंधा अलग, तो यहाँ से गेट तक जाला धोती आ झोला में फुल पेंट लेके जाला, तो गेटवा पार भई के धोती खोल दल थे फुल पेंट पहन के ड्यूटी करा, फिर ड्यूटिया निकल अलथिन तकर बाद धोती पिंध दल थन फुल पेंटवा झोला में भर के घर आ एक जगह काम कर ले, तनि धरिए नुनू तनि धरिए काका तनि धरिए मामू तनि ये रिश्ता ये कखन के नहीं कह जाले जे बजनाथ रविकांत श्याम की श्याम की सुंदर गुलाब ये केकरो ने यदि नामों ले आले तो कहले गुलाब दा श्याम सुंदर काका फलना श्याम सुंदर मामू गुलाब मामू यही उटक संगे जुटा जुटल, तो संस्कार में भी होल जे रिश्ता आल बापे यदि रिश्ता रख ले तो बेटा हूँ वह रिश्ता में कठिन जाले, एखन बापे रिश्ता रखल दादा चाचा एखन बेटा सबके रिश्ता दोसर है, तखन हमनिक परिवेश हवाल है जे उम्र यदि केव हल बड़ो उम्र में तो ओकरा देखे गले हमने नुकाली केव नुकाले जे छोटल ए मारतो ए डांटतो हमने खेलो जा लिए तो डर लिए जे नहीं वो हमने गाँव के बड़ो लोग लाए हमने उम्र उम्र से बड़ो लगे लिहाज कर दोस्ते दोस्ते में तनिक यदि केव तनिक ताव में आओ ओकरा लोग तुम लिहाज नहीं करबे चाहे ओकर रिश्ता रोक चाहे ना चाहे कोनो जाते रहो।